अरुणाचल प्रदेश की टैलेंटेड एक्ट्रेस, मॉडल और एंटरप्रेन्योर चुमदा रंग बिग बॉस सीजन 18 में शामिल होने के लिए तैयार है। सुपरस्टार सलमान खान इस शो को प्रीमियर 6 अक्टूबर को करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि चुमदा रंग को बधाई दो मूवी में भूमि पेडनेकर के साथ अपने रोल के लिए काफी पहचान मिली। उनका प्रोफाइल काफी डाइवर्स है, जिसमें सोशल एक्टिविज्म से लेकर अपनी खुद की कैफे चू नामक, जो पासीघाट में स्थित है, चलाना और कई ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेना शामिल है। आपको बता दें कि चुमदा रंग की ब्यूटी पेजेंट्स में इंटरेस्ट 2007 से शुरू हुआ, जब वो सिर्फ 16 वर्ष की थी, और उनका करियर का मेजर टर्निंग पॉइंट तब था जब उन्होंने 2010 में मिस आपसू जीता था। उसके बाद उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि वो नॉर्थ ईस्ट दीवा 2014 की फाइनलिस्ट रही, मिस हिमालयास 2015 की सेकंड रनर अप और मिस टियारा इंडिया इंटरनेशनल 2017 का खिताब जीता। मिस अर्थ इंडिया 2016 कंटेस्ट में उन्होंने मिस अर्थ इंडिया वाटर 2016 का टाइटल अपने नाम किया। मिस एशिया वर्ल्ड 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहाँ वो 24 देशों के कंटेस्टेंट्स के साथ मुकाबला करते हुए 5th पोजिशन पर रही और मिस इंटरनेट का सबटाइटल जीतने में सफल रहे। आपको बता दें कि मिस टियारा इंडिया इंटरनेशनल 2017 में उन्होंने मिस स्पोर्ट्स गियर और मिस बेस्ट कस्टम के सबटाइटल्स भी जीते। 28 कंटेस्टेंट्स को, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और तुर्की के पार्टिसिपेंट्स भी थे। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 18 में चुमदा रंग की एंट्री एक नई एक्साइटमेंट का बात बन गया है और फैंस काफी बेसब्री से शो के ड्रामा और सस्पेंस का इंतजार कर रहे हैं। चुमदा रंग अरुणाचल प्रदेश की टैलेंटेड एक्ट्रेस और एंटरप्रेन्योर है। उनकी इस पॉपुलर रियलिटी शो में हिस्सा लेना सिर्फ उनकी करियर के लिए नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की अगली पीढ़ी के स्टार्स और एक्टर्स के लिए भी एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है। अपने टैलेंट को नेशनल प्लेटफॉर्म पर दिखाकर चुम एस्पायरिंग आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स को इंस्पायर कर रही है। उन्हें अपने सपनों का पीछा करना और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए प्रेरित करते हुए उनका सफर एक बीकन ऑफ होप है। ये दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश से आने वाली टैलेंट भी बड़े मंच पर चमक सकती है, जो भविष्य में और भी लोगों के लिए दरवाजे खोल सकती है। दर्शकों, ऐसी ही खबर जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।